चैनल पहाड़ी ब्यूटी एंड मैं हूं मोनिका। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक अमेजिंग सा फेस पैक जो कि आपको इंस्टेंट ग्लो देगा। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन डल हो गई है या आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हो गए हैं या फिर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं तो इन सब चीज़ों की और आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं तो कहूँगी आपके स्किन पे, आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम है तो उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये जो फेस पैक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये अपना जो रिज़ल्ट है वो तुरंत दिखाता है। यानी कि आपको 15 मिनट यूज़ करना है इसे और 15 मिनट यूज़ करने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे एक बार यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो आप उसे दोबारा भी ज़रूर यूज़ करोगे। और गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है पहले थोड़ा ब्राइट थी, थोड़ा चमक था आपके फेस में और वो अभी कहीं खो गया है तो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा, आपको डेफ़िनेटली फ़र्क नज़र आएगा, साथ ही साथ आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो लाएगा। गाइज, हम पहाड़ के जितने भी लोग होते हैं वो मेकअप प्रोडक्ट का कम यूज़ करते हैं, केमिकल्स का कम यूज़ करते हैं और जितना हो सके उतना नेचुरल रहने की कोशिश करते हैं, तो वही नेचुरल रेमेडी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं वो अमेजिंग सा फेस पैक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर कर दूँ, प्लीज़ जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है वो एक बार इस फेस पैक को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि उसमें एक चीज़ जो मैं मिक्स कर रही हूँ वो है ऑरेंज पील पाउडर। और अगर आपको लेमन से या फिर टमाटो से एलर्जी होती है तो प्लीज़ इस फेस पैक को यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। एंड बाकी स्किन टाइप के लिए ये बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए तो ये वरदान है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा काम करने वाला फेस पैक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर और इसे मैंने घर पर बनाया है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है और मैंने घर पे बनाया है तो मुझे पता है मैंने इसमें क्या क्या मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और फिर आपको लेना है दो मटर के दाने बराबर एलोवेरा जेल। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे नींबू, नींबू की कुछ ड्रॉप आपको इसमें डालनी है। बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ दो चम्मच दही और ये दही भी मैंने घर का यूज़ किया है, आप चाहिए तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपको इसका पेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग पेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी स्किन से रिलेटिव सारी प्रॉब्लम ये काफ़ी हद तक सही कर लेगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको खाना अच्छा खाना है, पानी अच्छे तरीके से पीना है एंड एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत आपको करनी है और अंदर से आपको खुश रहना है, तभी आपको बाहर से आप जो कुछ भी करोगे उसका आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो उसके बाद आप इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लीजिए, क्लीन फेस पे लगाना है, आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फेस वॉश कर लीजिए पहले एंड उसके बाद आप इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लीजिए। आपकी इच्छा है अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं तो ब्रश से लगाइए या फिर फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। तो अभी ये लगा लिया है मैंने और इसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ड्राई होने में लग जाता है 10 से 15 मिनट, तो 15 मिनट आपको डेली इसे यूज़ करना है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 15 मिनट में आप अपने चेहरे से दाग धब्बे, अपनी डल स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन को लाइट कर सकते हैं और साथ ही साथ ओपन पोर्स को क्लोज कर सकते हैं, नेचुरल ग्लो ला सकते हैं आप सिर्फ 15 मिनट में, क्योंकि इसे ड्राई होने में 15 मिनट लग जाता है एंड उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है एंड बहुत ग्लो भी लगता है। तो मैंने बचा हुआ था तो थोड़ा सा मैंने अपने हाथों में भी इसे लगा लिया एंड अभी ये ड्राई हो चुका है कम्प्लीट। तो पूरा कंप्लीट ड्राई मत कीजिए, थोड़ा गीला होना चाहिए। उसके बाद हम इसे करेंगे स्क्रब, तो आप धीरे धीरे से स्क्रब कर लीजिएगा, मैं बहुत फास्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा वीडियो फास्ट मोड में है, तो आप धीरे धीरे स्क्रब करके इसे निकाल लीजिए एंड देखो आपका आईज कितनी अच्छी लग रही है, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा, आप देख सकते हैं कितना नेचुरल ग्लो आ चुका है मेरे फेस में, बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा आइस क्यूब, एक आइस क्यूब मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में एंड एक नाइट में, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम है तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है, क्लीन लग रही है, मेरे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ चुका है। उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा आमंड ऑयल
और इसे मैं थोड़ा सा अपने पल्प में गर्म करके और इसके बाद मैं उसे अपने फेस पे लगा लूँगी और थोड़ी सी इसकी मसाज दूँगी अपने फेस को। तो आप इन सब चीज़ों को नाइट में यूज़ कीजिए, क्योंकि नाइट में उसके बाद आपको आप सो जाते हैं तो सन की वो नहीं रहती है और अच्छा रहता है। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।